हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइटरूम ऐप की मदद से ऐसी फ़ोटो को कुछ इस टाइप के करके दिखाएंगे और बहुत ही इजी स्टेप है गाइस। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी फोटो एडिटिंग सिर्फ एक चुटकियों में कर सकते हो। तो गाइस, इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको फ़ोटो को एडिटिंग करनी है। इंट्रो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलते हैं मोबाइल की तरफ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले हमको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज हम अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिए हैं और लाइटरूम ऐप ओपन करने के बाद अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फ़ोटो को एडिटिंग करना है। तो हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को ला दिए हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, इसके हमको लाइट को एडजस्ट करना है। तो लाइट वाला ऑप्शन पर आ जाना है और लाइट वाला ऑप्शन पर आ जाने के बाद सबसे पहले इसके एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देंगे, एक्सपोजर कम है, और हाईलाइट को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, हाईलाइट फोटो में कम है, ठीक है। और शेडो को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है, 39 के अराउंड, और वाइट्स को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। देन कलर वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर कलर मिक्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो कलर मिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और कलर मिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो फेस का कलर है, तो इसके सेचुरेशन को माइनस करेंगे तो हमारा जो फेस है गोरा होगा, और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेंगे फेस को गोरा करने के लिए। फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके सेचुरेशन को पूरा -100 कर लेंगे, ठीक है। और इस वाला ब्लू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ाकर +85 के राउंड कर लेंगे और ह्यू को थोड़ा कम कर लेंगे। और फिर येलो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके भी सेचुरेशन को -100 कर लेंगे, ठीक है ना। एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन गाइस, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टेम्परेचर के वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे, तो करीब हम 11 के राउंड कर लेते हैं, ठीक है। और वाइब्रेंस को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, थोड़ी सी -6 के राउंड। एंड अभी आप लोग बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, थोड़ी मेरी कलर के जो है एडजस्टमेंट हुई है। अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है ग्रेडिंग वाला ऑप्शन पे। देन ग्रेडिंग वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद शेडो पर आना है और इसके सेचुरेशन को पहले थोड़ी सी बढ़ा लेना है, और जो ह्यू है ह्यू को आपको ब्लू टोन पे रखना है, ठीक है। और लुमिनेंस को थोड़ा माइनस और ब्लेंडिंग को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। फिर इसके बाद आपको आना है मिड टोन्स पे और वैसे ही सेचुरेशन को बढ़ाना है, और जो ह्यू है ह्यू को ब्लू कलर पर लाकर छोड़ना है एक्वा कलर में, करीब 180 के राउंड। और लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। एंड इसके बाद आ जाना है हाईलाइट पे, और हाईलाइट पे भी आकर सेचुरेशन को बढ़ाएंगे और ह्यू को ब्लू टोन पे लाकर छोड़ेंगे, एंड फिर डन कर लेंगे, ठीक है। एंड डन कर लेने के बाद फिर आ जाएंगे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे फोटो में, ताकि फोटो दिखने में अच्छा लगे। तो क्लैरिटी को बढ़ाकर हम 60 के अराउंड कर लेते हैं, और थोड़ी सी टेक्सचर को बढ़ा लेंगे, ठीक है। और डीएच को थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमारा जो फोटो है थोड़ा वाइट टोन में लगे, तो -6 कर लेंगे। एंड देन इसके बाद गाइस विंगनेट वाला ऑप्शन पे आएंगे, थोड़ी सी विंगनेट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर -5 के राउंड, और मिड पॉइंट को थोड़ा बढ़ाएंगे, राउंडनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और फेदर को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इतना ऑप्शन करने के बाद फिर से लाइट वाला ऑप्शन पे आएंगे। लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद फिर कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर समझना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर ब्लू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 3 लाइन बनाएंगे, ठीक है। और जो ऊपर वाला लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, और बीच वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऐसे। एंड फिर वाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस पर भी 3 लाइन बनाएंगे, और जो ऊपर वाला लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और बीच वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, और फिर डन कर लेंगे। एंड गाइस, डन कर लेने के बाद यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को वैल्यू को कम कर लेंगे, और हाईलाइट को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ा लेंगे। देन गाइस, अभी आप लोग फोटो में बिफोर और आफ्टर देखो कितना फ़र्क आप लोग को दिख रहा है। देखो, बिफोर और आफ्टर मेरी जो फोटो है पूरी अच्छे तरीके से एडिटिंग हो चुकी है। अब इसको हमको गैलरी में सेव करना है, तो उसके लिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो फोटो है ना गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज कि आपको ये एडिटिंग पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो,
और चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें ना। और आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं सर के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।